हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आज आपके लिए लेकर क्लास थ की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर नंबर एट जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट और न्यू बुक के अकॉर्डिंग का नंबर में भी थोड़ा सा डिक्रीज हो गया होगा क्योंकि आपके चैप्टर कम हो गए हैं लेकिन ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर no. एट है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये वीडियो पार्ट टू में आपको मिलने वाली है लेकिन पार्ट वन में आपको जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और साथ में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर विजिट कीजिएगा वहां पर आपको क्लास इलेवंथ के दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो है लिंक्स मिल जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इज लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको क्या लगता है ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो ऑफकोर्स ट्रू है क्योंकि अगर आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाते हैं तो इट मीन्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी अपने आप जो है स्ट्रांग हो जाएगी तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए इन अर्लियर टाइम्स सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज एग्जिस्टेड इन इंडिया ये सभी को मालूम है कि सेल्फ गवर्निंग जो विलेज कम्युनिटीज थी वो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी तो उनको क्या नाम दिया गया था तो ऑप्शन आपके सामने है समिति संघ सबास या फिर ग्राम समिति तो चार ऑप्शन आपके सामने है और राइट right आंसर आपको देना है कि अगर हम अर्लियर टाइम्स की बात करें तो जो सेल्फ गवर्निंग विलेज कॉमिटीज एग्जिस्ट करती थी इंडिया के अंदर उनको जो नाम दिया जाता था तो वो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी सभा कहा जाता था उन्हें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर क्रिएटेड आफ्टर अब आपको बताना है कि इनको कब क्रिएट किया गया था आफ्टर 1982, 1973, 1882 या फिर 1899 तो यहां पर जो राइट आंसर है क्या होना चाहिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1882 के बाद जो है इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को जो है क्रिएट किया गया था 1882 के बाद इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ वर क्रिएटेड इन मॉडर्न इंडिया आफ्टर तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी एटीन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए लोकल गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट एट दा, आपको बताने किस लेवल पे होती है सिटी लेवल हो गया स्टेट लेवल हो गया या फिर सेंट्रल लेवल या फिर हम कहीं एट द विलेज लेवल जो है तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए यस यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी हम कहेंगे एट द विलेज लेवल जो है लोकल गवर्नमेंट कही जाती है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए डेमोक्रेसी इज अबाउट डेमोक्रेसी जो है किसके बारे में है, तो ऑप्शन आपके सामने है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन या अबाउट ब्राइबिंग पीपल फॉर वोट्स ब्राइब करना क्या होता है रिश्वत देना वोट के लिए या फिर कंटेस्टिंग इलेक्शंस एट द सेंट्रल लेवल ऑनली या फिर नानॉर्थिज या इनमें से कोई भी नहीं तो यहां पर जो हम कहेंगे डेमोक्रेसी की एक्जैक्ट जो हम डेफिनेशन uh, दे सकते हैं वो होती है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन जो है जहां आप हर एक्टिविटी में एक मीनिंगफुल वे से पार्टिसिपेट करते हैं चाहे वो कंटेस्टिंग uh, इलेक्शंस है या आपके राइट टू वोट की बात करें आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए व्हेन इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर क्रिएटेड हु वाज द वाइस राय ऑफ इंडिया जब इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को क्रिएट किया गया था तो उस टाइम इंडिया के वाइसराय कौन थे तो ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड कॉन वॉलिस लोड अलूजी रिपन या फिर लोड एंड रिपल तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन उस टाइम जो है वॉइस रे ऑफ इंडिया थे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए विलेज पंचायत फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ यानी जो विलेज पंचायत को क्रिएट किया गया था तो कौन सा इंडिया ऑफ एक्ट था यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो ऑप्शन आपके सामने है यहां पर नाइनटीन 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 थर्टी फाइव नाइनटीन फोर्टी फोर या फिर नाइनटीन फोर्टी फाइव तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था नाइनटीन नाइनटीन का उसके तहत जो है विलेज पंचायत को जो क्रिएट किया गया था अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ही मिलता जुलता है कि जो विलेज पंचायत है उनको क्रिएट किया गया था फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन एंड दिस ट्रेंड कॉन्टिन्यूड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ यानी कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था तो ऑप्शन आपके सामने है 1919, course, वो नहीं होगा 1935, 1944, 1945. तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी 1935 वो इंडिया का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट उसके तहत जो इसको कंटिन्यू किया गया था क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए व्हेन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड ये प्रोग्राम जो है कब स्टार्ट हुए थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात करें तो ऑप्शन आपके सामने है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नाइन तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी 1952 में इनको स्टार्ट किया गया था क्वेश्चन नंबर टेन देखिए ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट Who had strongly प्लेडेड फॉर डिस ऑफ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल पावर अब किसने जो है बड़ी strongly जो है रिक्वेस्ट की थी प्लीड होती है रिक्वेस्ट करना ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल पावर हो तो ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी पंडित नेहरू सरदार पटेल या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो क्या होगा येस yes, ऑफकोर्स यहां करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी इन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए वेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड uh, हम कहेंगे uh, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था तो जो सब्जेक्ट वो कहेंगे लोकल गवर्नमेंट का वो किसको दिया गया था तो ऑप्शन आपके सामने है प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट को सेंटर को या फिर स्टेट्स को तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो है ऑफ कोर्स ऑप्शन डी स्टेट्स को ये सब्जेक्ट दिया गया था जो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए वेन डिड पी के थुंगाउं कमेटी रिकोमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी पी के ठुंगाउं कमेटी ने कब रिकमेंड की थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोग्शन जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए तो ऑप्शन आपके सामने है 1987, 1988, 1989 या फिर 1980. तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1989 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोगनीशन दी थी जो भी कमेटी है उन्होंने अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के लिए वेन वार देंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट पास बाय द पार्लियामेंट ये जो है uh, थोड़ा सा क्वेश्चन माइंड में देखिएगा क्या है कि इनको पास कब किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा तो ऑप्शन आपके सामने वन नाइनटीन नाइन्टी फोर या फिर नाइनटीन नाइन्टी टू तो अगर पास करने की बात आती है सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट को तो वो है यहां पर करेक्ट आंसर नाइनटीन नाइनटी टू ऑप्शन डी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के लिए सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट की अगर बात करें जो रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में है इसको और किस नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है पंचायती राज समिति पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पंचायती राज संगठन या फिर पंचायती राज इन uh, फोकस तो यहां पर जो राइट right आंसर है ऑफ कोर्स वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के लिए हु फेल्ट दैट द फैक्शन एंड द कास्ट रिडन नेचर ऑफ द रूरल सोसाइटी वुड डिफीट द नोबल परपज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल अब देखिए कुछ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि ये लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनके माइंड में यह था कि अभी जो गांव के एरियाज हैं थोड़े से बैकवर्ड है और वहां पर जो है कास्ट रिडन जो है बहुत सारी चीजें होती हैं और इसलिए वो डरते थे तो लेकिन ये किसने सोचा था वो आपको बताना है ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी पंडित नेहरू सरदार पटेल या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो ऑफ कोर्स यहां पर जो राइट right आंसर है ये जो सोच थी वो थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर की ऑप्शन डी यहां राइट आंसर है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के लिए वेन डिड द स्टेट्स लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज यानी इन्होंने जो है इलेक्टेड लोकल बॉडीज का सिस्टम कब अडोप्ट किया था जो स्टेट्स हैं गुजरात और महाराष्ट्र जैसी तो ऑप्शन आपके सामने है 1980, 1970, 1960, 1950, तो यहां राइट आंसर क्या होगा यहां पर जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी 1960 में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए वेन वॉज ए थोरो रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इनिशियटेड जो है कम्पलीट रिव्यू क्या होता है कंप्लीट रिव्यू जो है जो कि फंक्शनिंग uh, से कनेक्टेड है लोकल गवर्नमेंट की इनको कब इनिशिएट किया गया था तो ऑप्शन आपके सामने है आफ्टर 1985, आफ्टर 1987, आफ्टर 1988 और आफ्टर 1989 तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो क्या होगा यस ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आफ्टर नाइनटीन एटी सेवन क्वेश्चन एटीन देखिए हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूसड बाई द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन नाइनटीन एटी नाइन तो यहां पर ऑप्शन आपके सामने है वन टू थ्री या फिर फोर यानी कितनी जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल uh, अमेंडमेंट की थी सेंट्रल uh, गवर्नमेंट ने नाइनटीन एटी नाइन में तो ऑप्शन यहां पर आपके सामने है और करेक्ट आंसर है येस राइट आंसर है ऑप्शन बी यहां पर ओनली टू अमेंडमेंट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के लिए विच ऑफ द द्स हैज क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राजील यानी इनमें से कैसी ऐसी ऐसी चीज है जो ब्राजील के कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट की गई है या उसके द्वारा क्रिएट की गई है तो ऑप्शन आपके सामने है स्टेट्स फेडरल डिस्ट्रिक्ट या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल्स या फिर कहें ऑल ऑफ दीज यानी सभी के सभी ऑप्शन यहां पर राइट हैं तो यस यहां पर हम कहेंगे सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं यानी जो बात करते हैं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राजील की तो उसके द्वारा इन सभी को क्रिएट किया गया है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए वेन वर द सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट अब बताना है कि इनको पास कब किया गया था तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है लेटर इन नाइनटीन लेटर इन नाइनटीन नाइटी 1992, लेटर इन 1993. तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो क्या है यस yes, यहां राइट right आंसर है ऑप्शन सी लेटर इन 1992. तो बच्चों तो क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहां स्टॉप करूंगा बट दिस इज नो विल डेफिनेटली गेट द सेकंड पार्ट वेरी सून सो टिल देन कीप ऑन वाचिंग वॉचिंग एंड डोंट फोर टू जस्ट विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड इवन डोंट फोरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो this channel thank you Mary. very much have a very nice day